हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं कद्दू कांशी फल के पकोड़े। जिसके लिए सबसे पहले हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद फिर इसको बेसन और अरारोट मिक्स करके, मसाले मिक्स करके इसके पकोड़े बनाएंगे। कांशी फल को मैंने छोटा छोटा काट के इसको अच्छे से धोकर ड्रेन कर दिया। इसके मैंने छिलके नहीं उतारे क्योंकि इससे ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनता है और अच्छे शानदार मज़ेदार पकोड़े बनते हैं। इसमें डालें हरी मिर्च, अदरक ग्रेटेड, धनिया पत्ती। ये 4 चम्मच मैंने बेसन लिया है, 2 चम्मच अरारोट लिया है। इसके अंदर हम सारे मसाले मिक्स करेंगे। लाल मिर्च, चाट मसाला, अजवाइन, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, सौंठ पाउडर और हींग। इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और आवश्यकता अनुसार पानी से घोल बनाएंगे। ऐसे गाढ़े पेस्ट वाले ऐसे बना लें और बस। फिर अभी हम इसको गरम तेल में डालेंगे और बढ़िया अपने कुरकुरे पकौड़े बनाएंगे। शानदार क्रिस्पी पकौड़े बनकर चटनी, हरे धनिए की चटनी के साथ सर्व करने के लिए तैयार है।